हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो दिस इज निहाका तिवारी। सो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो रिलेटेड टू योर सीरीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रैशनलाइजेशन। राइट, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि रैशनलाइजेशन क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, और फीचर्स में भी कुछ टर्मोलॉजी को डिस्कस करेंगे जिससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, जो हो सकता है आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएँ। राइट, तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनलाइजेशन। सो रैशनलाइजेशन की मीनिंग क्या होती है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। रैशनलाइजेशन क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जो हर बिजनेस यूनिट या मोस्ट ऑफ द बिजनेस यूनिट कंसीडर करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जो फर्म की ओवरऑल कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है, उसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसके साथ ही साथ उसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाती है, और स्टेबल या मजबूत हो पाती है। तो रैशनलाइजेशन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम करते हैं, जिसके थ्रू हमारे बिजनेस में क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है वो कम होने लग जाती है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रोसेस को अडॉप्ट करने से मिलते हैं। वो कौन कौन से फीचर हैं उसके डेप्थ में हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके फीचर्स में, जो कि आपका रैशनलाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। सो इसमें आपको याद रखना है कि एक प्रोसेस है जो बिजनेस यूनिट इंपॉर्टेंट कंसीडर करती है, क्योंकि इससे क्या होता है, बिजनेस की ग्रोथ जो है वो स्टेबल हो पाती है, उसकी प्रॉफिट इंक्रीज़ हो पाता है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो पाती है, और इसके साथ ही साथ फर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो पाती है। राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका फीचर्स क्या है। बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सो उसे भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्टार्टिंग विद द फीचर्स, फीचर्स में अगर आपके में आता है कि फीचर्स ऑफ रैशनलाइजेशन क्या है, या एलिमेंट ऑफ रैशनलाइजेशन को भी आप इसमें लिख सकते हैं, और इसके साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ रैशनलाइजेशन भी, यही सारे पॉइंट जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। तो इस चीज़ से आप तीन आंसर बना सकते हैं अपने। अगर एलिमेंट्स पूछ रहे तब भी आप ये लिख सकते हैं, फीचर्स पूछ रहे तो भी आप ये लिख सकते हैं, और इसके साथ ही साथ अगर प्रिंसिपल भी अगर आपके एग्जाम में आता है रैशनलाइजेशन के बताने को, तो वो भी यही सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर अप हो जाएंगे। सो अब हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं जो आपको कंसिडर करने हैं। सो फर्स्ट कम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉम्बिनेशन। सो सबसे पहला जो आ जाता है इसमें, फीचर्स में भी डाल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन, रैशनलाइजेशन के कारण क्या होता है बिजनेस में, बिजनेस कॉम्बिनेशन जो है वो अराइज हो पाता है, मतलब कि रैशनलाइजेशन लीड्स टू मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ बिजनेस फर्म। इससे क्या होता है, बिजनेस जो फर्म्स हैं उनका एक्विजिशन मर्जर हो जाता है, और आपको पता है कॉम्बिनेशन को हमने डिस्कस किया कि कॉम्बिनेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो बिजनेस को मिलते हैं। कॉम्बिनेशन हो रहा है तो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, जो आपकी एक एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे थे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग में, वो आप बचा पा रहे हैं। तो ये क्या है, एक फीचर है आपका रैशनलाइजेशन का, कि रैशनलाइजेशन लीड्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस फर्म्स। नेक्स्ट कम डेट इज स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट फीचर जो हो जाएगा, ये एलिमेंट या प्रिंसिपल हो जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, कि जो रैशनलाइजेशन है वो फोकस करता है कि स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए आपके बिजनेस फर्म में, मतलब कि जो बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ अगर आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं तो काफ़ी बार ये होता है कि बहुत सारा अमाउंट या बंडल जो प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो जाता है, उसके इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ फिक्स करता है, एक चीज़ स्टेट करता है कि जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है वो इतने ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करने चाहिए, कम करने चाहिए, और एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने का, जिससे क्या होगा, एलिमिनेशन हो पाएगा अननेसेसरी एक्टिविटीज़ का। सो ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है आपका स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन पे भी रैशनलाइजेशन फोकस करता है। रैशनलाइजेशन कहता है कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए अमंग द लेबर। उनको पता होना चाहिए कि उनको कौन सा काम करना है, किस लेबर को किस तरीके का काम करना है। तो पूरी तरीके से हम एक स्पेशलाइजेशन करेंगे, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को प्रॉपर डिवाइड करेंगे अमंग द लेबर, जिससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो पाए और डुप्लीकेट चीज़ें ना हो पाए। मतलब कि आप ये काम कर रहे हैं, वही वो पर्सन को भी कुछ नहीं पता तो वो भी वही काम करने लग गया, तो यहाँ पे जब डुप्लीकेशन होने लग जाता है तो वो वेस्ट होने लग जाता है प्रोडक्ट। फिर तो
तो वो सारी चीज़ों को बचाने के लिए ये कहता है कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, कि प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए अमंग द लेबर, और जो पर्सन जिस काम को करने के लिए बहुत अच्छा है, सुटेबल है, स्पेशलाइज्ड है, उसको वही वर्क देना चाहिए, जिससे क्या होगा, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा उस काम में, और ज़्यादा स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन उस पर्सन में आ पाएगी। राइट, सो ये था आपका थर्ड फीचर, डैट इज स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट कम डैट इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, रैशनलाइजेशन लीड्स टू सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब जो भी एक्टिविटीज़ आपके फर्म्स में हो रही है उसको सिंप्लीफाई कर दें, उसको ईजियर कर देता है रैशनलाइजेशन। ये क्या है, रैशनलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, डैट इज सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, मतलब कि डुप्लीकेशन आप नहीं करना चाह रहे, वैरायटी ऑफ गुड्स या प्रोडक्ट को इतना ही अमाउंट में प्रोड्यूस करना चाह रहे जिसकी उतनी रिक्वायरमेंट हो, ताकि अननेसेसरी एक्टिविटीज़ ना हो, अननेसेसरी वेस्टेज ना हो। इसके साथ ही साथ आपने स्पेशलाइजेशन ला दिया है, जिससे हर लेबर का वर्क जो है उसको प्रॉपर डिवाइड कर दिया जाए, तो ये सब क्या हो रहा है, एक सिंप्लीफिकेशन क्रिएट कर देगा। मतलब कि जब हॉचपॉच नहीं होगी, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, तो चीज़ें एकदम सिंप्लीफाइड होकर सामने आएंगी। तो इस तरीके से इंटर रिलेट करके इन दो पॉइंट को आप ला सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन इसके कारण क्या हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट कम डैट इज मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन मीन्स क्या, कि जो आपका रैशनलाइजेशन होता है वो फोकस करता है मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म में क्या, कि जो भी आपका ओल्ड मशीन्स हैं, जो भी आपकी मशीन्स हैं, उनको हम लोग किससे रिप्लेस कर दें, ह्यूमन से रिप्लेस कर दें। मतलब कि यहाँ पे क्या हो, मैकेनिज्म को हम मेन फोकस दे रहे हैं कि जो मशीन है वो सारा वर्क करें, इन प्रेफरेंस टू लेबर। लेबर को हम यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, हम मशीन्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर मशीन्स काम करेंगी तो वर्क और जल्दी होगा, एफिशिएंटली होगा, कॉस्ट भी रिड्यूस होकर आ सकती है, राइट, एज ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये एक चीज़ पे फोकस करता है, डैट इज़ मैकेनाइजेशन। सो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट कम डैट इज़ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मीन्स व्हाट, कि ये मॉडर्नाइजेशन पे फोकस करता है, मतलब कि मॉडर्न चीज़ों पे फोकस करता है, कि जो भी आपकी फर्म में ओल्ड मशीन्स हैं, एब्सोल्यूट मशीन है, जो अब वेस्ट हो गई है, मतलब कि अब उनका डेट निकल गया, अब उनको आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आपको कोई ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो कहती है कि क्या करें, आप उसको रिप्लेस कर दें न्यू मशीन के साथ। तो ये मॉडर्नाइजेशन पे फोकस करती है, इनोवेशन पे फोकस करती है, आप न्यू थिंक लाएं, न्यू थिंक क्रिएट करें, जिससे क्या हो, एफिशिएंटली आपका प्रोडक्शन हो पाए, प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज हो पाए। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है आपका रैशनलाइजेशन का। नेक्स्ट कम डैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। ये लास्ट फीचर है आपका, डैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव पे भी रैशनलाइजेशन फोकस करता है, मीन्स रैशनलाइजेशन इस बात पे फोकस करता है कि आप प्रॉफिट पे तो फोकस करें ही करें, बट इसके साथ ही साथ आपको ह्यूमन वैल्यूज़, जो कि आपके लेबर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, फिर जो आपके कस्टमर हैं उनको सुटेबल गुड एंड सर्विसेज अच्छे रेट पे प्रोवाइड करना, फेयर रेट पे प्रोवाइड करना, इस चीज़ों पे भी क्या करता है, रैशनलाइजेशन फोकस करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है आपका रैशनलाइजेशन का। गाइस, ये सारे फीचर्स या एलिमेंट्स या प्रिंसिपल थे आपके रैशनलाइजेशन के, जिसे हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट जो आपका रैशनलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से होगा, उसे भी आप ज़रूर देखेंगे, राइट गाइस। सो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।